तो दोस्तों, जो आपका जीवन होता है, जो आपकी लाइफ होती है, वो बिल्कुल एक समुंदर की तरह होती है। उसमें अपार संभावनाएं हैं, उसमें इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज हैं आप सबके लिए। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप वहां से पानी निकालने के लिए, चीजें निकालने के लिए चम्मच लेकर खड़े हो या पूरी की पूरी बाल्टी। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है January 29, 2019 और डे है ट्यूसडे। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, इस करंट वीडियो की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगी, वहां पर आपको द हिंदू न्यूज़पेपर भी अवेलेबल हो जाएगा। लिंक आपकी स्क्रीन पर है, स्टडी आईएएस ऑफिशियल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आपके लिए आज का सवाल, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, तो आप अगर नॉर्दर्न इंडिया में इस समय रह रहे होंगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि टेम्परेचर एकदम से बहुत ज्यादा गिर गया है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे सवाल है, जनरल क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कोल्ड वेव्स विच कॉजेज एक्सट्रीम वेदर वेरिएशन इन नॉर्दर्न इंडिया। तो वेदर वेरिएशन देखने को हमें मिलती हैं, उससे रिलेटेड आपको बताना है। ज्योग्राफी का बेसिकली इंटरनल क्वेश्चन है और यहाँ पे पहली स्टेटमेंट है, द कोर रिक्वायरमेंट ऑफ अ कोल्ड वेव एट द सर्फेस इज अ स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर एट द सेंटर That forms during the winter in high latitudes. जो cold waves हैं, उनके लिए सबसे पहली जो core requirement है वो ये है कि strong high pressure condition होनी जरूरी है center में, और यहाँ पे high latitudes में होना जरूरी है। इसके साथ साथ जो दूसरी statement है वो ये है, the major reason for this severe weather is absence of western disturbances. Western disturbances नहीं है, इस वजह से यहाँ पे जो cold waves हैं वो आती हैं in the north western part of the country. और क्यों? क्योंकि जो western disturbance होती है वो disrupt करती हैं wind pattern को in this particular region, and in its absence there will be no significant change in these pattern. तीसरी स्टेटमेंट है यहाँ पे, कोल्ड वेव अफेक्ट मच लेसर देन द ब्लिजार्ड्स। ब्लिजार्ड्स से यहाँ पे कम इफेक्ट करती हैं कोल्ड वेव्स, और आइस स्टॉर्म से और जो विंटर हजार्ड्स होते हैं उनसे भी कम इफेक्ट करती हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। आपके ऑप्शन है ए 1 और 2 ओनली, बी 2 और 3 ओनली, सी 1 और 3 ओनली, या डी ऑल ऑफ द अबव। और आप लोगों को अपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करने हैं, और आंसर मैं वीडियो के एंड में भी आप लोगों को बता दूंगा। पर चीटिंग बिल्कुल मत करना, उससे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर अपने अपने ड्रॉप कर देना। तो स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। पेज नंबर 1 पे आपको सबसे पहले ये तस्वीर मिलती है जिसकी हेडलाइन है आउट ऑफ द ब्लू। यहाँ पे बेसिकली ये जो पिक्चर है तेलंगाना से आई है, और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखो यहाँ पे जो सारी की सारी जो चिली है वो खराब हो गई है यहाँ पे अनसीजनड रेनफॉल की वजह से, बरसात की वजह से यहाँ पे जो चिली है वो बिल्कुल खराब हो गई है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था जो पेपर इंडस्ट्री है वहां पे इस समय हमें क्राइसिस देखने को मिल रहा है। तो उस पर्टिकुलर आर्टिकल से आप इस पर्टिकुलर पिक्चर को रिलेट करते हैं, और कल 28 जनवरी 2019 को मैंने आपके साथ एक आर्टिकल डिस्कशन में लिया था, डिक्लाइनिंग पेपर प्राइस पुट्स ग्रोवर्स इन साउथ इंडिया इन स्ट्रेस। अब वैसे ही जो पेपर के जो प्राइस है वो पहले ही डिक्लाइन हो रहे हैं, और उस पर्टिकुलर कंडीशन में यहां पे जो फार्मर्स हैं उनकी क्रॉप भी खराब हो गई है, खासकर तेलंगाना की अनसीजनड रेनफॉल की वजह से, इस वाली पिक्चर में जो हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे कल की जो न्यूज बताई थी उसको फिर से भाई रिवाइज करवा देता हूं आपको। देखो मेन चीज क्या है, मेन चीज जो चल रही है पेपर के अंदर वो ये है कि यहाँ पे बहुत ही सस्ता पेपर यहाँ पे हमें वियतनाम से आता हुआ दिखाई देता है हमारे देश के अंदर। और वो जब सस्ता होता है तो ऑब्वियसली आप हो या मैं हूं, हम लोग सोचते हैं कि हमें सस्ती चीज मिल रही है तो हम वो खरीदें, और हम लोग वो टैग भी नहीं देखते कि वो इंडिया का है, श्रीलंका का है, वियतनाम का है या चाइना का है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज लाइकली टू ड्रॉप बिलो 50,000 टन, तो 50,000 टन से भी नीचे जा सकती है हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जबकि हमारा जो कंजम्पशन है वो 65,000 टन से भी ज्यादा का है। और यहाँ पे कुछ और चीजें हैं कि यहाँ पे हार्वेस्ट सीजन भी बहुत बेहतर नहीं रहा है, साथ ही प्रोडक्शन भी लो हुई है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही है, और उनके बावजूद जो कंडीशन है वो हमें और खराब जब देखने को मिली कि यहाँ पे सरकार ने जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने बैन भी लगाया था, इम्पोज भी लगाया था हमें मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस के साथ। बट यहाँ पे जैसे हम लोगों ने कुनी देशों के साथ कुछ बहुत सारे एग्रीमेंट कर रखे हैं, जैसे यहाँ पे जैसे लो ड्यूटी स्ट्रक्चर कर रखा है हमें अंडर दी आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस
ट्रेड एग्रीमेंट के साथ, साफ्टा के अंदर कर रखा है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया के साथ किया हुआ है, इफ्टा किया हुआ है हम लोगों ने, इंडो श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो यहाँ पे जो श्रीलंका की तरफ से भी हमारे देश में जो पेपर आ रहा है वो श्रीलंकन पेपर नहीं है। श्रीलंका क्या कर रहा है, वियतनाम से यहाँ पे पेपर खरीद रहा है और उसको यहाँ पे फिर इंडिया के अंदर सेल कर रहा है। तो ये कंडीशन आज की डेट में हमें पेपर इंडस्ट्री में देखने को मिल रही है। बिल्कुल याद रख लेना कि पेपर इंडस्ट्री में आज की डेट में क्या सिचुएशन है, उनके क्या क्या यहाँ पे कॉजेस हैं। तो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे आपको खबर देखने को मिलती है, आंध्र प्रदेश बुद्धिस्ट रिमेन्स डेट बैक टू सतवाहना पीरियड। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर है यहाँ पे कोंडावेडु फोर्ट, और वहां पर कुछ यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजिकल एंड म्यूजियम है, वो जो कोंडावेडु फोर्ट है उसके रिकंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे, उनके जो रिमेन्स है उनको वापस से बनाने की कोशिश कर रहे थे। पर अब यहाँ पे एक नई फाइंडिंग हमें देखने को मिली है कि यहाँ पे हमें कुछ बुद्धिस्ट रिमेन्स दिखाई दिए हैं जो बताए जा रहे हैं कि वो सतवाहना पीरियड के हो सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ डिटेल लो कोंडावेडु फोर्ट के बारे में। तो एक चीज याद रखना, ये आंध्र प्रदेश के अंदर ये पर्टिकुलर फोर्ट है, और इस फोर्ट को यहाँ पे आपने सुना होगा रेड्डी डायनेस्टी। ओके, तो रेड्डी डायनेस्टी यहाँ ने 1250 के अराउंड थी, उन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवाया था ये पर्टिकुलर फोर्ट को। और ये जो पर्टिकुलर डायनेस्टी थी, ये आर्ट एंड कल्चर के बहुत ही बड़े पैटर्न्स थे, तो आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रमोट करती थी रेड्डी डायनेस्टी। और यहाँ पे जो गुंटूर है उसके आसपास पड़ता है ये आंध्र प्रदेश के अंदर। और ये जो पर्टिकुलर फोर्ट है, इट इज ऑल्सो इन एफर्ट टू बी क्लासिफाइड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, तो अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये नहीं है, बट अभी इसका एफर्ट चल रहा है। आंध्र प्रदेश ने यहाँ पे यूनेस्को के पास एप्लीकेशन भी डाली हुई है कि इस पर्टिकुलर फोर्ट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाए। अब यहाँ पे जो बुद्धिस्ट रिमेन मिले हैं वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट हमें स्टफ्स दिखाई दिए हैं। जो डिपार्टमेंट है वो उस समय क्या कर रहा था, कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन कर रहा था दो पर्टिकुलर टेम्पल्स के, जो यहाँ पे इस फोर्ट के जो प्रमाइसिस हैं उसी के अंदर है। एक है यहाँ पे शिवालयम और एक है यहाँ पे लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल। ओके, जब उनको यहाँ पे देखा जा रहा था, तो जब एक्सकवेशन की गई तो वहां पे कुछ हमें रिमेन्स दिखाई दिए। यहाँ पे हमें रेलिंग पीसेस दिखाई दिए, स्टूपा दिखे, हमें पिलर्स के फॉर्म में चीजें दिखाई दी जिनको यहाँ पे साइट से बाहर निकाल लिया गया है। देखो यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं इनके जब गर्भगृह को देखा गया, यहाँ पे खासकर शिवालयम टेम्पल के, तब वहां पे हमें देखने को मिला। देखो यहाँ पे साउथ इंडिया की बात हो रही है और साउथ इंडिया में जो आर्किटेक्चर है टेम्पल्स का वो अलग होता है नॉर्थ इंडियन के जो यहाँ पे हमारे आर्किटेक्चर होते हैं उससे। साउथ इंडिया के वाले हम बात कर लेते हैं, इनको यहाँ पे हम लोग द्रविडियन आर्किटेक्चर फॉर्म भी कहते हैं। और यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये टेम्पल है और ये यहाँ पे प्रमाइसिस है ना, तो इसके जो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग कहते हैं विमान। एक चीज याद रख लेना कि इसे क्या कहते हैं, इसे विमान कहते हैं। और नॉर्थ इंडिया में इसी चीज को हम लोग शिखर के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो गॉड की इमेज रखी होती है उसके अराउंड जो यहाँ पे रेक्टेंगुलर पोर्शन होता है, जो अपलिफ्टेड पोर्शन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं गर्भगृह। एज वेल एज यहाँ पे जो आगे वाला जो पोर्शन होता है उसे यहाँ पे हम लोग मंडप के नाम से भी जानते हैं। तो ये पर्टिकुलर देख लेना कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के आर्किटेक्चर क्या क्या डिफरेंस होता है। ये आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, थोड़ी सी डिटेल मैंने आपको दे दी, थोड़ी सी डिटेल आप मुझे दे देना। और यहाँ पे कुछ जो फ्रीलांस आर्कोलॉजिस्ट हैं वो इस चीज को कह रहे हैं कि ये जहाँ पे जो स्टूप है वो 3rd century AD के अराउंड बिल्टअप किया गया था एक्सकवेशन पीरियड के दौरान। और यहाँ पे जो एविडेंसेज हैं दे आर बेस्ड ऑन आर्किटेक्चरल रिमेन्स एंड इंस्क्रिप्शनल एविडेंस। और जो एविडेंस है वो ये भी दिखा रहे हैं कि शायद ये सतवाहना पीरियड के हो सकते हैं और उस समय शायद एग्जिस्टेंस हो बुद्धिज्म का ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया जिसको हम लोग कोंडावेडु के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कुछ हमें बहुत छोटा फ्रेगमेंट ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन का भी देखने को मिला है। तो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन में हमें यहाँ पे कुछ स्तूपा रिमेन्स देखने को मिले हैं। तो उस पर्टिकुलर पीरियड में यहाँ पे बुद्धिज्म को भी प्रमोट किया जाता था। 8 letter का यहाँ पे कुछ हमें इंस्क्रिप्शन देखने को मिला है जो कि कह रहा है घा रा खा था सा आ थे वा। ओके, तो ये कुछ 8 letters हैं जो हमें वहां पे देखने को मिले हैं। याद रखना कि ये एक इंपॉर्टेंट एक्सकवेशन हो जाता है क्योंकि साउथ इंडिया से रिलेट करता है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 6 पे, आपको खबर मिलती है कल्चरल कनेक्ट। तो यहाँ पे भोपाल के अंदर चल रहा है लोक रंग फेस्टिवल और वहां पे त्रिपुरा के कुछ आर्टिस्टों ने परफॉर्मेंस करी है संग्राई
डांस के बारे में। तो संग्राई डांस आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे होता है, एक अम्ब्रेला टाइप कुछ लेके यहाँ पे डांस किया जाता है और ये मॉग ट्राइब बेसिकली परफॉर्म करती है। तो ये तीनों चीज याद रखना कि जो संग्राई डांस है वो किस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता है, कौन सी ट्राइब यहाँ पे त्रिपुरा के अंदर पाई जाती है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल से हमें दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 7 पे आपको खबर देखने को मिलती है, इंडिया कांट हैंडल मोर बिग कैट्स। तो हम लोगों ने देखा है जब से हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर हम लोगों ने चलाया है उसके बाद जो नंबर ऑफ टाइगर्स की संख्या हमारे देश में वो बढ़ती हुई नजर आई है। कल के न्यूज में मैंने आपके साथ NTCA के बारे में सारी की सारी चीजें डिस्कशन में ले ली थी, तो आप लोग आज मुझे NTCA के बारे में 2 लाइन लिखकर भी बताओगे। ओके तो यहां पे सबसे पहली चीज टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, और यहां पे इंडिया इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड टाइगर्स इन द वर्ल्ड। तो इंडिया के पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड टाइगर्स हैं पूरी की पूरी दुनिया में, और उसके लिए हम लोगों को एक फुल प्रूफ प्लान भी रखना पड़ेगा। देखो हमारे पास कुछ एरिया है, कुछ हैबिटेट है, उसमें जो यहाँ पे टाइगर्स रह रहे हैं अगर वो उन हैबिटेट से ज्यादा हो जाएंगे, मतलब हमारे पास वो इतना एरिया होगा ही नहीं कि हम उन हैबिटेट के अंदर टाइगर्स को सस्टेन करवा पाए, तो फिर हमारे लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहां पे क्रिएट हो सकती है। हमारे देश में इस समय 50 टाइगर रिजर्व्स हैं और उनको यहां पे गवर्न किया जाता है प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, जिसको एडमिनिस्टर करती है NTCA, द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एज वेल एज इंडिया होम है 70% ऑफ द टाइगर्स इन द वर्ल्ड का। और 2006 के अंदर हम लोग देखें जो टाइगर की संख्या है वो सिर्फ और सिर्फ 1411 थी, जो कि 2011 में बढ़ गई और 1706 हो गई। 2014 के डेटा के हिसाब से ये संख्या बढ़ के 2226 हो गई। अभी टाइगर सेंसस चल रहा है और उसके बाद हमें मई में दिखाई देगा, मई 2019 में हम लोगों को दिखाई देगा कि टाइगर की संख्या हमें और कितनी बढ़ती हुई नजर आई है। टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड टाइगर्स ग्लोबली अगर हम लोग देखें तो 2016 के अंदर वो थे 3891। आप इमेजिन करके देखो कि पूरी दुनिया में 3891 है जिनमें से 2226 सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर है। यहाँ पे जो 3891 है ये है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड ग्लोबल टाइगर फोरम। अब यहां पे रिलेट करते हुए मैंने पॉइंटर्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहली चीज जो यहां पे बताई गई कि जो कंजर्वेशन एफर्ट है वो अच्छी तरीके से हमारे देश में चल रहे हैं। इससे रिलेटेड एक और चीज, 2 दिन पहले मैंने आपको बताई थी कि टाइगर के ऊपर तो हम लोग ध्यान दे रहे हैं, पर टाइगर के अलावा जो बाकी और जो एनिमल्स हैं जैसे यहाँ पे राइनोज हैं उनके जो पोचिंग के केसेज हैं वो हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनके जो यहाँ पे इलीगल ट्रेड होता है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इनके ऊपर हम लोग क्यों ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइगर का काउंट है वो बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है और उस वजह से इंडिया के सामने एक नया चैलेंज आ सकता है। नया चैलेंज क्या कि यहाँ पे जो हमारी मैनेजमेंट जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं एक लिमिटेड कैपेसिटी है और उससे ज्यादा यहाँ पे जो टाइगर की संख्या है वो पार हो सकती है। ऑफिशियली जो रिपोर्ट कह रही थी वो मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता दी। और करंटली अगर हम लोग देखें इंडियाज करंट कैपेसिटी टू होस्ट टाइगर रेंज्ड फ्रॉम 2500 टू 3000 टाइगर्स। तो अभी हमारी जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम आप कह सकते हो कि 3000 टाइगर्स को यहाँ पे सस्टेन करने की है। और 2016 के अंदर मैंने आपको डेटा बता दिया था कि 3891 था और 2014 के अंदर इंडिया के अंदर ही 2226 था, तो किस तरीके से हम लोग सस्टेन कर पाएंगे जो 3000 वाला मार्क है। क्या पता कि अभी 3000 वाला मार्क हम लोगों ने क्रॉस कर भी दिया हो जब हमारे सामने नई रिपोर्ट आए। अब यहां पे जो मेन रीजन है वो ये है कि डिमिंडलिंग कोर फॉरेस्ट, जो कोर फॉरेस्ट कंडीशन है वो खराब हो गई है, उनको थोड़ा कम कर दिया गया है। वहां पे हम लोगों ने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी है, एज वेल जो टाइगर कॉरिडोर होते हैं वो भी कहीं ना कहीं श्रिंक हो रहे हैं। टाइगर कॉरिडोर से रिलेटेड आप एक और चीज यहाँ पे लिंक करोगे, जो अभी जो सिचुएशन यहाँ पे हमें कर्नाटका और यहाँ पे केरला के बीच में देखने को मिल रही है, एज वेल एज उसमें तमिलनाडु का भी कुछ एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि यहाँ पे जो एलिवेटेड रोड्स बनाने की बात कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज। ओके, तो वो भी यहाँ पे जो टाइगर रिजर्व है जो वायनाड है या यहाँ पे बंदीपुर है उसके अराउंड यहाँ पे सारी की सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो एक और इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे चीजें हैं वो है पोचिंग के केसेस, मैन एनिमल
कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ रहे हैं, और उन सब चीजों को तो कहीं ना कहीं इंडिया ने मैनेज कर लिया है अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ टाइगर कंजर्वेशन की बात करें। रिसेंटली अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ टाइगर्स को रिलोकेट किया गया था, खासकर यहाँ पे जो हमारा शिमलीपाल टाइगर रिजर्व है उसके अंदर हम लोगों ने किया था, यहाँ पे जो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है उसके अंदर हम लोगों ने किया था। सतकोसिया के बारे में कल भी हम लोगों ने कुछ डिटेल देखी थी, बट हम लोगों को क्या देखने को मिला कि उसमें जो एक टाइगरेस थी उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, तो अवनी की यहाँ पे डेथ हो गई थी। तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें और यहाँ पे देखनी है। साथ ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो अवनी की भी डेथ क्यों हुई, क्योंकि जो प्रे वाली कंडीशन है वो उसके लिए सुटेबल नहीं थी। जिन चीजों पे वो लोग सस्टेन करते हैं, जिन फूड पे सस्टेन करते हैं, वो फूड अच्छी तरीके से वहां पर अवेलेबल नहीं थे। तो कुछ रिजर्व के अंदर प्रे नहीं है, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, और अगर मान लो कि टाइगर की संख्या बढ़ती गई और उनके यहाँ पे प्रे नहीं हुए तो क्या होगा, उनके बीच में क्या बढ़ जाएगा, कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। ये सब आपने पढ़ा होगा एनवायरमेंट में, और जब कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा तो हमको उनका ही नुकसान देखने को मिलेगा, जो कि हम लोगों को उड़ीसा में भी एक रिपोर्ट आई थी कि टाइगर्स जो बहुत ज्यादा जो सफर कर रहे हैं उनको यहाँ पे स्टडी किया गया, ये भी देखा गया कि वो कुछ आपस में भी लड़के यहाँ पे मर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रे डेंसिटी है वो भी हम लोगों को इम्प्रूव करनी पड़ेगी, और टाइगर कॉरिडोर्स हम लोगों को डेवलप करने पड़ेंगे जिससे इंडिया सपोर्ट कर सके और ज्यादा यहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन को। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसके अंदर ये सारी की सारी बातें हो रही थी, जिसके अंदर वो सारे के सारे देश प्रेजेंट थे एक्सेप्ट चाइना, जिन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि जो टाइगर्स की जो संख्या है वो अपने देश में डबल कर लेंगे बाय 2022। तो 2022 तक हम लोगों को फार्मर्स की इनकम भी डबल करनी है और यहाँ पे टाइगर्स की संख्या भी डबल करनी है। यहाँ पे जो हमारे जो देश है जिन्होंने साइन आउट किया है, जो टाइगर रेंज जो कंट्रीज है वो कौन कौन सी है, एक तो इंडिया है, उसके अलावा यहाँ पे चाइना है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, रशिया है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है, और यहाँ पे नेपाल भी है। तो 2006 से हम लोग देखें तो WII जो है, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसके पास ये टास्क है कि वो यहाँ पे टाइगर एस्टिमेशन एक्सरसाइज निकालता है और एस्टिमेट्स लगाता है, और यही यहाँ पे सर्वे करता है कि देश में कितने नंबर ऑफ टाइगर्स हैं। ओके, यहाँ पे नए एस्टिमेशन जब हमारे सामने आएंगे मई के अंदर तो और भाई डिटेल्स क्लियर हो जाएंगी। कुछ एक्स्ट्रा स्टफ्स यहाँ पे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मई 1982 के अंदर इसे एस्टैब्लिश किया गया था। मेन काम इसका यही होता है वाइल्ड लाइफ रिसर्च यहाँ पे कैरी करना, स्टडी करना, सर्वे करना, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी से लिंक हो, एंडेंजर्ड स्पीसीज से लिंक हो, वाइल्ड लाइफ पॉलिसी से रिलेट करते हो, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स, स्पेशल मॉडल, इको डेवलपमेंट, हैबिटेट इकोलॉजी और क्लाइमेट चेंज। ओके, तो सारी चीजों को यहां पे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व करता है। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज आई है पेज नंबर 7 पे, सुप्रीम कोर्ट टू हियर पिटीशन ऑन भोपाल गैस लीक पे आउट। तो पे आउट से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है, जो यहाँ पे कंपेंसेशन दिया जा रहा है उससे रिलेटेड बात हो रही है, बट हमारे लिए जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है इसके बारे में कुछ स्टेप्स डालना, कुछ फैक्ट जानना और रिवीजन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 के अंदर हुई थी, और उस समय तो आप लोग भी और मैं भी पैदा नहीं हुए थे, December 3 को हुई थी, बट हम लोग शुरू से ही भोपाल गैस ट्रेजेडी का एग्जाम्पल इसलिए लेते हैं क्योंकि इसे हम लोग ये मानते हैं कि अभी तक इंडस्ट्रियल जो ट्रेजेडी हुई है पूरी की पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा खतरनाक ट्रेजेडी भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, जो कि December 2 और December 3 के इंटरवीनिंग नाइट में यहाँ पे हुई थी। और यहां पे बहुत ही डेंजरस जो टॉक्सिक गैस है मिथाइल आइसोसाइनेट, वो यहां पे एस्केप हो गई थी, वो यहां पे फ्लो आउट हो गई थी फ्रॉम द यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जिसने यहां पे अप्रोक्सीमेटली 5,295 ह्यूमंस की यहां पे डेथ हो गई उस वजह से, और यहां पे 5,68,292 पीपल सफर किए। और इसके बाद यहां पे देखने को मिला कि इस पर्टिकुलर एरिया के अराउंड जो यहां पे बच्चे हुए उनके अंदर डिफॉर्मिटी हो गई, वो बच्चे थोड़े से यहाँ पे उस तरीके से नहीं हो जितने यहाँ पे रियलिटी में होने चाहिए थे, क्योंकि उस गैस ने इतना ज्यादा उनको हार्म कर दिया। आप लोग याद रखो कि भोपाल गैस स्ट्रेटजी से कौन सी यहाँ पे गैस लेट करती है, दैट इज अ मिथाइल आइसोसाइनेट। आगे बढ़ते हैं अपनी अगले न्यूज की तरफ, पेज नंबर 9 पे आज आपको कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट मिलता है, और वहां पे एक टर्म का जिक्र है, वो है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। जब भी आप लोग अपनी फॉरेन पॉलिसी वाले किसी भी आर्टिकल के अंदर चाइना का जिक्र करोगे, चाइना की क्या स्ट्रेटेजी होती है, तो चाइना ने शुरू से ही
साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वाली स्ट्रेटेजी अपनाई है और कहीं ना कहीं इंडिया भी आज की डेट में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वाली स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्क कर रहा है। अब बेसिकली ये स्ट्रेटेजी होती क्या है, ओके, तो ये रेफर करती है, एक बहुत ही इफेक्टिव प्रोपोगेंडा होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोगेंडा चलाते हैं, मार्केटिंग करते हैं, यहाँ पे हम लोग चीजें फैलाते हैं, रूमर फैलाते हैं, थ्रेट्स फैलाते हैं, यहाँ पे नॉन कॉम्बैट साइकोलॉजिकल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिससे जो दूसरे देश की जो यहाँ पे फोर्स है, देश की जो यहाँ पे मिलिट्री है, उसका जो मोराल है, उसके अंदर जो मोटिवेशन है वो थोड़ी सी कम हो जाए, ओके, उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा यहाँ पे लूज आउट हो जाए। देखो मेन चीज हम लोग क्या मानते हैं, अगर आपको किसी को हराना है तो उसको फिजिकली मत हराओ, उसके ब्रेन को कैप्चर करके हराओ, यही मेन चीज यहाँ पे चाइना हमेशा करता है। इंडिया को डोकलाम वाले इशू में भी जब चाइना ने वहां पे रोड्स कंस्ट्रक्ट करना चालू किया था, कहीं ना कहीं उसने साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालने की कोशिश करी थी इंडिया के ऊपर, ओके, तो यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल वेलबींग होती है एनिमी की या एनिमी की पूरे के पूरे देश की, उसको यहां पे इंपैक्ट करने की कोशिश की जाती है। यहां पे सरकार दूसरी सरकारों के ऊपर मेंटल एडवांटेज लेने की कोशिश करती है, दूसरी की यहां पे जो मिलिट्री होती है उनके ऊपर मेंटल एडवांटेज लेने की कोशिश करती है, क्योंकि देखो जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि जो भी आप सोचते हो व्हाट यू थिंक यू बिकम, तो जो आप सोचते हो वो आप बन जाते हो। जब दूसरा कोई आपको इस तरीके से इम्पैक्ट करता है तो हम लोग मोरली उनको डाउन कर देते हैं, और छोटी फोर्सेस से भी हम लोग एक बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, एग्जाम रिलेवेंट ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत जगह इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा आर्टिकल्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 10 पे आपको खबर देखने को मिलती है, प्लीज चैलेंजेस हिंदू प्रेयर्स इन केवीज। तो यहाँ पे जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं उनसे रिलेटेड न्यूज आई है, सुप्रीम कोर्ट के पास केस था और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे केस को रेफर कर दिया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, एक संवैधानिक पीठ को। अब सवाल बेसिकली यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स का है और सवाल यहाँ पे आप कह सकते हो जो गवर्नमेंट ने जो यहाँ पे ड्यूटीज निकाली हैं उनके बीच में रिलेट करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि जो एजुकेशन कोड है जिसको रिवाइज किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे पूरे देश में 1125 केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स को रन करती है, उनके अंदर यहाँ पे बच्चों के लिए नेसेसरी है कि वो यहाँ पे सुबह जो मॉर्निंग असेंबली होती है, जो यहाँ पे प्रेयर्स होती है, आप लोगों ने भी अपने स्कूल में करी होंगी, तो वहां संस्कृत के कुछ वर्सेस हैं और हिंदी के कुछ वर्सेस हैं, उनको यहां पे रिसाइट करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है अपने हाथ जोड़ के, अपनी आंखें बंद करके मॉर्निंग असेंबली के अंदर। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसे पब्लिक ह्यूमिलेशन भी झेलना पड़ता है पूरे के पूरे स्कूल के सामने। अब उसी पर्टिकुलर चीज के खिलाफ यहां पे कुछ लोग गए सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि हम इसके लिए एक संवैधानिक पीठ बिठाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाएंगे। यहां पे जो बेंच थी इस समय उसे लीड कर रहे थे जस्टिस रोहिंटन नरीमन, उन्होंने इस चीज को बोला कि जो पेटीशन है ये कुछ इंपॉर्टेंट इश्यू को रिलेस करती है, क्योंकि हमारा जो देश है वो एक सेक्युलर देश है, एक सेक्युलर स्टेट है हमारी, जिसके अंदर हम कभी भी किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करते हैं और हम किसी भी स्टूडेंट को यहां पे फोर्स नहीं कर सकते कि वो यहां पे किसी भी बिलीफ, फेथ या वर्शिप या किसी भी चीज को यहां पे जबरदस्ती माने, ओके, तो यहां पे जो बच्चे हैं वो सारे के सारे रैशनलिस्ट फैमिली बैकग्राउंड के हैं और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे देश में जितनी भी चीजें हो सारी रैशनल मैनर में हो, कोई भी चीज यहाँ पे रिलीजन से इन्फ्लुएंस होके ना हो, ओके, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्रेयर्स हैं वो बेसिकली हिंदू रिलीजन पे बेस्ड है, इस वजह से यहाँ पे कुछ जो लोग हैं, कुछ जो बच्चे हैं जो कि अलग बिलीफ, फेथ और रिलीजन से बिलोंग करते हैं वो थोड़े से परेशान है। यहाँ पे जो पिटीशन है वो कह रहा है कि जो रिवाइज एजुकेशन कोड है केंद्रीय विद्यालय का वो वायलेट्स करता है आर्टिकल 19 is my right to freedom of speech and expression. अब इसके अंदर एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई व्यक्ति शांत रहता है, कोई व्यक्ति अगर साइलेंट रहता है और कुछ भी नहीं बोलता है तो वो भी उसका एक अधिकार है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि जो साइलेंस है वो भी एक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट है। इसके साथ साथ आर्टिकल 28(1) को भी यहाँ पे वायलेट करता है, जो कि कहता है कि यहाँ पे जो स्टेट है वो जो भी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि पब्लिक फंड के ऊपर रन करते हैं, जो केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे हम लोगों के टैक्सेस के साथ यहाँ पे वर्क करते हैं, तो उनके कोई भी यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दी जा सकती, ओके, तो यहाँ पे पिटीशन का कहना है कि जो कॉमन प्रेयर है वो सिर्फ एक ही यहाँ पे रिलीजन
रिलीजन से रिलेट करती है और ये कहीं ना कहीं रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जो पिटीशन है वो पॉइंट आउट करता है आर्टिकल 92 ऑफ दिस पर्टिकुलर रिवाइज्ड कोड, जो कि कहता है कि सारे के सारे बच्चों को हाथ जोड़कर प्रेयर करना जरूरी है, और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसको पनिश भी किया जाएगा और ह्यूमिलेट किया जाएगा इन फ्रंट ऑफ एंटायर स्कूल। तो पिटीशन का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसेबल है कि आप किसी भी बच्चे के ऊपर जो प्रेयर्स हैं उनको आप इम्पोज करो, और सबके पास अधिकार है अपने फेथ, अपने बिलीफ, अपने रिलीजन को यहाँ पे सामने रखने का। तो एक और चीज यहाँ पे बोली गई कि जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो स्कूलों में जाते हैं, उनके अंदर हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना चाहिए। ओके, एज द होल आइडिया ऑफ गॉड एंड रिलीजियस फेथ इज गिवन इमेंस प्रायोरिटी, यहाँ पे प्रायोरिटी जो है वो रिलीजन और फेथ के ऊपर ज्यादा दी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के थॉट प्रोसेस को अमेंड कर सकता है, उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकता है। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट सीक्स काउंट ऑफ डिटेन्ड फॉरेनर्स। तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि असम के अंदर जो यहाँ पे एनआरसी की एक्सरसाइज हुई, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन वाली एक्सरसाइज हुई, जब एक्सरसाइज हुई थी तो उसमें 40 लाख लोगों को पीछे छोड़ दिया था। उसके लिए अब यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर डेट टू डेट यहाँ पे ओपनिंग की गई कि जो लोग पीछे रह गए हैं अगर उनके पास यहाँ पे वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आके यहाँ पे फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स में कंप्लेंट डाल सकते हैं। और हम लोग को देखने को मिला कि 36.2 लाख यहाँ पे लोगों ने 40 लाख में से यहाँ पे 31st of December तक अपनी जो कंप्लेंट्स हैं वो फाइल आउट कर दी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि 15th ऑफ फरवरी से उनके लिए जो केसेस हैं वो भी चालू हो जाएंगे। अब यहाँ पे उसी से रिलेटेड चीजें हैं कि नंबर ऑफ डी वोटर्स कितने थे December 31st 2017 तक। डी का मतलब होता है यहाँ पे डुबिशियस, डुबिशियस मतलब यहाँ पे जो गलत वोटर्स हैं, जो असलियत में रियल वोटर्स नहीं है। डिविशियस वोटर्स यहाँ पे कौन से थे, तो वो थे यहाँ पे 244,144, और यहाँ पे केस जो डिस्पोज ऑफ किए गए और जो केस पेंडिंग है वो भी आपकी स्क्रीन पर है। साथ ही पेन ऑफ इनकार्सिरेशन, तो वो क्या है, तो असम के अंदर 100 फॉरनर्स ट्राइब्यूनल है जो कि वो सारे के सारे केसेस हैंडल करती है, जिनको यहाँ पे असम बॉर्डर पुलिस ऑर्गेनाइजेशन रेफर करती है, जिनका मेन काम ये होता है डिटेक्ट करना और डिटेन करना फॉरन को असम के अंदर। तो यहाँ पे उन केसेस को जब फॉरनर्स ट्राइब्यूनल सॉल्व कर लेती है और उन्हें लगता है कि कुछ यहाँ पे डाउटफुल वोटर्स हैं, उनको उसके बाद भेजा जाता है डिटेंशन कैंप्स के अंदर। डिटेंशन कैंप्स वो कैंप्स होते हैं, वो सेंटर्स होते हैं जहाँ पे जो लोग डिक्लेयर्ड फॉरनर्स हो जाते हैं उनको रखा जाता है जब तक उन्हें उनके देश में डिपोर्ट वापस से नहीं किया जाता। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द क्यूरियस केस ऑफ डी वोटर्स, तो बेसिकली डाउटफुल वोटर्स वो यहाँ पे पर्सन होते हैं जो कि यहाँ पे सिटीजनशिप क्रेडेंशियल प्रोड्यूस नहीं कर पाते, सिटीजनशिप के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते, और फिर यहाँ पे पक्का हो जाता है फॉरनर्स ट्राइब्यूनल्स के अंदर भी कि वो देश के यहाँ पे नागरिक नहीं है। डी वोटर्स आर रेफर्ड टू एज द फॉरनर्स ट्राइब्यूनल्स टू वेरीफाई देयर सिटीजनशिप, और अगर वो फेल हो जाते हैं तो उन्हें यहाँ पे हम लोग डिटेंशन कैंप्स के अंदर भेज देते हैं। करंटली अगर हम लोग बात करें 951 DFs डिक्लेयर्ड फॉरनर्स आर लॉज इन 6 डिटेंशन सेंटर्स ऑपरेटिंग आउट ऑफ द मेकशिफ्ट फैसिलिटीज इन लोकल जेल्स। तो लोकल जेल से बाहर ये पर्टिकुलर सेंटर्स होते हैं जिनके अंदर यहाँ पे 951 डिक्लेयर्ड फॉरनर्स को इस समय पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे इसी आर्टिकल के अंदर एक और छोटा सा आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है ह्यूमन राइट पिटीशन। देखो ये जो डिटेंशन सेंटर्स हैं इसके अंदर ये देखने को मिला कि कुछ यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो रह रहे हैं और जो उनके जो बच्चे हैं वो अलग जगह पर रह रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिपेंसी देखने को मिली और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा था डिटेंशन सेंटर्स के अंदर। और उससे रिलेटेड यहाँ पे सितंबर 2018 के अंदर कोर्ट के पास यहाँ पे केस गया था, पिटीशन फाइल की थी हर्ष मैंडर ने और उनके लॉयर थे प्रशांत भूषण, जिन्होंने इस चीज को सामने रखा। यहाँ पे कंपेयर किया गया था कि यूएस के अंदर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके अंदर क्या पॉलिसी अप्लाई होती है, उनके डिटेंशन सेंटर के अंदर क्या चीजें होती है और हमारे यहाँ क्या क्या चीजें हैं। अब बेंच ने इस चीज को बारे में यहाँ पे सेंट्रल असम गवर्नमेंट से रिस्पॉन्स मांगा था और उन्हें पूछा था कि यहाँ पे किस तरीके से जो डिटेंशन सेंटर्स हैं उनके अंदर सारा का सारा काम होता है और उनके अंदर उनके बच्चों को क्यों अलग से रखा जाता है। ओके, अभी तक इसके बारे में और कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स हमारे सामने नहीं आई है, इतनी ही डिटेल थी। पेज नंबर 11 पे आपको एक और खबर मिलती है, जॉब ऑन कंपैशनेट ग्राउंड नॉट
और राइट से सुप्रीम कोर्ट। तो आपने भी ये चीज कभी ना कभी सुनी होगी, कोई अगर व्यक्ति यहां पर गवर्नमेंट जॉब के अंदर है और किसी हादसे की वजह से, किसी कारण की वजह से उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो उसके जो यहाँ पे बच्चे होते हैं उनको यहाँ पे सरकार गवर्नमेंट जॉब दे देती है। ओके, अब यहाँ पे सवाल ये आ रहा था कि क्या जो ये चीज है ये आर्टिकल 14 के खिलाफ नहीं है, क्या ये चीज यहाँ पे आर्टिकल 16 आर्टिकल 15 के खिलाफ नहीं है। तो उस चीज को यहाँ पे बार बार रिट्रेट किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को सामने रख दिया है कि जो पॉलिसी है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की, तो जो अपॉइंटमेंट किया जाता है उन्हीं के बच्चों को, उनको क्या कहते हैं, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कहते हैं। वो एक कोई राइट नहीं है, कोई उनका अधिकार नहीं है, वो सिर्फ एक बेनिफिट है। वो उन्हें इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो उनके जो पेरेंट हैं जिनकी यहाँ पे डेथ हो गई है वो उस पर्टिकुलर कंडीशन में थे कि वो अपनी पूरी की पूरी फैमिली को सस्टेन करते थे। ठीक है, यहाँ पे जो बेंच है उसको लीड किया था जस्टिस डी वाई चंद्रयूत ने। उन्होंने यहाँ पे इस चीज को ऑब्जर्व किया, इस चीज को देखा परखा और बोला कि जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट होती है वो एक एक्सेप्शन है टू द रूल्स ऑफ अपॉइंटमेंट। तो जो पब्लिक अपॉइंटमेंट होती है अंडर द आर्टिकल 14 आर्टिकल 16 उसके यहाँ पे जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसके एक एक्सेप्शन के रूप में आप लोग देख सकते हो उस पर्टिकुलर जॉब अपॉइंटमेंट को। तो जो बेसिस होता है वो यही होता है कि यहाँ पे जो फैमिलीज होती हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है डिसीज्ड एम्प्लॉय के, और देखा जाता है कि उनकी जो फाइनेंशियल हार्डशिप उनको हो सकती है उसको यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए, उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर जॉब प्रोवाइड की जाती है जो डिसीज्ड एम्प्लॉय है, डिसीज्ड मतलब जो एम्प्लॉय मर गया है उसके बच्चों को। ओके, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि वो इमीडिएसी ऑफ नीड है, जरूरत की वजह से यहाँ पे दिया जाता है, वो कोई राइट नहीं है, ये एक बेनिफिट है। और यहाँ पे जो अथॉरिटी है उनको ये चीज देखा कि यहाँ पे जो सर्कमस्टेंसेज है फैमिलीज के वो इस तरीके से नहीं है कि उन वो लोग सस्टेन कर सके, आगे तक बढ़ सके, और इसीलिए उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज देना जरूरी भी हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस डिसीजन को सेट असाइड किया जो कि कहे थे कि उन फैमिलीज को एक्सक्लूड कर देना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या उन्हें यहाँ पे पेंशन मिल रही है, क्या सरकार के जो वेलफेयर मेजर्स है वो उनका फायदा उठा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को सेट असाइड कर दिया है, उस चीज को अलग रख दिया है और बोल दिया कि जो जॉब होते हैं कंपेंशनेट ग्राउंड पे वो कोई राइट नहीं है बट वो एक बेनिफिट है और वो सही है और इंपॉर्टेंट भी है जो लोग हैं उनकी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 12 पे, आपको खबर मिलती है US declares it has agreed upon peace framework with Taliban। तो कल मैंने आपके साथ एक न्यू डिस्कशन में ली थी कि इंडिया किस तरीके से रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि इंडिया की तरफ से अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है कि इंडिया तालिबान को सपोर्ट करता है या पीस प्रोसेस को। तो इंडिया हमेशा सपोर्ट करता है पर तालिबान के साथ इंडिया रिलेशन बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इंडिया ये कह रहा है कि जब तक यहां पे अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट नहीं करती तब तक हम लोग तालिबान के साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा जो सपोर्ट किया है अफगानिस्तान का वो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन नीड्स के लिए किया है, कभी भी हम लोगों ने मिलिट्री का इस्तेमाल नहीं किया है अफगानिस्तान से रिलेट करते हुए। तो अमेरिका की तरफ से अब फाइनली स्टेटमेंट जारी हो गई है कि यहां पे पीस डील को क्रैक कर लिया गया है, फ्रेमवर्क यहां पे बना दिया गया है जिसके अंदर यहां पे जो तालिबान ग्रुप है वो भी ये चीज एंश्योर करेगा कि अफगानिस्तान का इस्तेमाल टेररिज्म के ग्राउंड के लिए ना किया जा सके। तो जो टेररिस्ट होते हैं आतंकवादी होते हैं वो अफगानिस्तान का ना कर सके एज अ बर्निंग ग्राउंड, एज वेल एज यहां पे यूएस जो ट्रूप्स हैं वो रिटर्न करेंगी और जो सीज फायर की एक्टिविटीज हैं वो भी बंद करने की कोशिश की जाएगी और जो तालिबान हैं वो यहां पे अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ भी बातचीत करेगा। तो ये 9 साल लंबा जो पर्टिकुलर जो हॉल्टिंग इवेंट चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे तालिबान ने साफ कर दिया था कि अगर वो किसी से डायरेक्ट टॉक करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ US एडमिनिस्ट्रेशन ही होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे बातचीत चालू हुई और यहाँ पे बहुत सारे बीच में भी लोगों को बुलाया गया था। यहाँ पे आप जो तस्वीर देख रहे हो तो ये है यहाँ पे अशरफ घनी, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। इन्होंने यहाँ पे कुछ चीजें सामने रखी हैं। यहाँ पे बोला गया है कि इससे पहले भी 1980s के अंदर जब यहाँ पे सोवियत यूनियन की मिलिट्री फोर्स थी अफगानिस्तान के अंदर और उस फोर्स ने विड्रॉ किया था, उसके बाद बहुत बड़ा हमें ब्लड शेड देखने को मिला था, बहुत सारे लोगों का खून बह गया था। तो एक जो प्रॉब्लम ये आ सकती है अगर उसी कंडीशन को रिलेट करें कि अगर US की ट्रूप्स वापस जाती है तो क्या फिर से जो अफगानिस्तान है वो एक क्योटिक क्राइसिस वाली सिचुएशन में आएगा। यहां पर जो अफगानिस्तान की सरकार है वो भी पीस चाहती है, वो भी शांति चाहती है और जल्द से जल्द चाहती है
बट इट वॉन्ट विद प्रूडेंस, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक सही तरीके से वो लोग चाहते हैं, और जो पिछली जो उन्होंने मिस्टेक्स करी हैं उनके साथ वो लोग नहीं आगे बढ़ना चाहते। इस चीज को यहाँ पे प्रेसिडेंट अशरफ घनी ने हाईलाइट किया। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो पेज नंबर 12 पे आपको खबर देखने को मिलती है नो वॉर जोन। तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो मैप है टर्की का, और टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रेसेप टैप एर्डोगन, उन्होंने इस चीज को सामने रखा है कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्रिएट करेगा अपने कुछ सेफ जोन्स। तो सेफ जोन यहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे जो सेमी ऑटोनोमस कुर्दिश पॉपुलेटेड नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया है उसके अराउंड किए जाएंगे, जिससे जो यहाँ पे सीरियन रिफ्यूजी हैं जो यहाँ पे टर्की के अंदर आ गए हैं उनको वापस से उनके देश में भेजा जा सके। और यहाँ पे तीन मेन प्लेयर हैं। पहला यहाँ पे जो प्लेयर है वो है यूनाइटेड स्टेट, जो कि हर जगह एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में काम करता है। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इस चीज को सिग्नल किया कि वो सीरिया से यहाँ पे अपनी जो ट्रूप्स हैं, खासकर 2000 जो यूएस ट्रूप्स हैं जिनको स्टेशन किया हुआ है, उनको यहाँ पे वापस बुला लेंगे। पर बाद में ये खबर भी आ गई है कि यहाँ पे कुछ जो बेसिस हैं उनको बनाकर रखेगा यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पे जो यूएस है वो क्या कर रहा है, वो वापस से बुला रहा है, और टर्की अब यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहा है फिर से उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर अपना कंट्रोल हासिल करने का। सती ट्रंप हैज बैक्ड द क्रिएशन ऑफ अ सेफ जोन। डोनाल्ड ट्रंप ने सेफ जोन की क्रिएशन को बैकआउट किया है, मतलब उनको सपोर्ट किया है, वेयर देयर वुड बी नो फाइटिंग, कोई फाइटिंग नहीं होगी और आराम से यहाँ पे जो रिफ्यूजीज है वो ट्रांसफर हो सकेंगे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो है यहाँ पे टर्की, और टर्की की कैपिटल क्या है, वो है अंकारा। तो वो कंसीडर करता है दी पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स, जो कि यहाँ पे अलाइड हैं विद द यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि यहाँ पे सपोर्ट इंपॉर्टेंट है उनका, इंस्ट्रूमेंटल है इन ड्राइविंग आउट इस्लामिक स्टेट फ्रॉम द रीजन, और टेररिस्ट फोर्सेस को यहाँ पे बाहर भगाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है यहाँ पे YGP का। वो ये कहते हैं कि YGP जो एक्सटेंशन है वो खुर्दिश वर्कर्स पार्टी का ही है, और यहाँ पे अगर खुर्दिश पॉपुलेशन को देखें तो टर्की के अंदर वो लोग एज अ इंसर्जेंट यूनिट का काम करते हैं, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं टर्की के अंदर। ये भी न्यूज मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कशन में ली थी। और टर्की इज मोस्ट प्रोमिनेंट बैकर ऑफ द सेफ जोन आइडिया, क्योंकि टर्की तो सबसे ज्यादा सपोर्ट कर ही रहा है, क्योंकि टर्की के अंदर ही सबसे ज्यादा रिफ्यूजी पहुंचे हैं यहां पे सीरिया से। तीसरी जो पार्टी है वो है यहाँ पे खुद्स। खुद्स जो है वो बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, वो आपको रीजन देखने को मिल जाएगा जो कि सीरिया टर्की बॉर्डर के अराउंड यहाँ पे पड़ता है, और जिसको यहाँ पे कंट्रोल करता है सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्स, जो कि एक एंटी IS फोर्स कमांड है, जिसको यहाँ पे YPG ही यहाँ पे गवर्न करता है। YPG मैंने आपको बता दिया, जो YPG है उसमें मैक्सिमम जो है वो खुर्दिश पॉपुलेशन ही है, तो खुर्दिश वर्कर्स पार्टीज की ही है YGP है, और जो खुर्द है उनको ये फियर है कि यहाँ पे अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ टर्की, और यहाँ जो बैक जिसको यहाँ पे फोर्सेस को बैक कर रहा है यहाँ पे अंकारा की जो यूनिट्स हैं वो, तो वो यहाँ पे आइडिया जो है सेफ जोन का उस चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यूएस सपोर्ट में है, टर्की सपोर्ट में है, बट जो खुद इस पॉपुलेशन है जो लोग हैं वो इस चीज को इनकार कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो टर्की, और ये यहाँ पे सीरिया का पर्टिकुलर पोर्शन है, और यहाँ पे ये वाला जो रीजन है इसको यहाँ पे सेफ जोन बनाने की बात की जा रही है, वो वाला जोन जहां पे कोई भी लड़ाई ना हो और इजीली यहाँ पे जो रिफ्यूजी हैं इस जोन से वापस आ सके सीरिया के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। हम आ गए हैं पेज नंबर 13 पे, इकोनॉमी वाला ये पर्टिकुलर पोर्शन है। यहाँ पे खबर मिलती है फाइनेंस मिनिस्टर अर्जेस PSBs टू हाइक क्रेडिट टू MSMEs एंड होम ग्रोअर्स। तो इंटरिम बजट से पहले हमारे नए फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि अब पीयूष गोयल जी बन चुके हैं फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि जो अरुण जेटली जी हैं वो कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से इस समय रेस्ट पर हैं, और उनको विदाउट पोर्टफोलियो कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में भी रखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ MSME सेक्टर के लोग थे, कुछ बैंक्स के लोग थे, कुछ इंडस्ट्रीज थे जिनके साथ वो बातचीत कर रहे थे, और बातचीत के समय पर हमारे सामने आए 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, यहाँ पे डिस्कस किया गया कि जो MSME सेक्टर है उसके अंदर जो क्रेडिट प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे हमें रिजॉल्व करना चाहिए, और जो होम ओनर्स हैं उनको भी हमें जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी को और भी ज्यादा बूस्ट मिले। और यहाँ पे बात की गई कि जो बैंकर्स हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड है उसे और भी ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, और जो रिजोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है उसको और भी ज्यादा जल्द से जल्द किया जाए। वैसे भी हमारा जो 2019 का जो टारगेट है इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड से रिलेट करते हुए वो है कि 1,00,000 करोड़ रुपीज के जो यहाँ पे जो केसेज हैं उनको हम लोग रिजॉल्व आउट कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे डिस्कशन किया गया किस तरीके से हम लोग फाइनेंस को बढ़ा सकते हैं, थ्रस्ट दे सकते हैं यहाँ पे होम ओनर्स को,
जिससे उनको अच्छी तरीके से पैसे मिल सके, फाइनेंसिस मिल सके। यहाँ पे डिस्कशन में लिया गया कि जो बैंक्स के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको हम लोग कैसे और ज्यादा एफिशिएंट बनाएं, कस्टमर फ्रेंडली बनाएं, प्रॉफिटेबल बनाएं, क्योंकि वही मेन मकसद यहाँ पे सरकार का है कि ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, निचले तबके तक भी यहाँ पे जो बैंकिंग की सुविधाएं हैं वो पहुंच सके। तो वोट ऑन अकाउंट हम लोगों को देखने को मिलेगा 1 फरवरी को। वोटर अकाउंट से रिलेटेड कल एक आपके सामने सवाल भी आया था, क्वेश्चन भी पूछा था मैंने आपको, वोटर अकाउंट और इंटरिम बजट के बीच में डिफरेंस भी बताया था। तो अगर आप रेगुलर मेरे लेक्चर्स देखोगे तो क्या होगा, एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ओके, और यहाँ पे आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी का जो रिव्यू होगा वो भी 7 फरवरी को होगा। तो ये दोनों ही इवेंट इकोनॉमी के लिए बहुत बड़े इवेंट हो सकते हैं। सर, जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वाला जो फ्रेमवर्क है जिसके अंदर हमारे 11 पब्लिक सेक्टर बैंक इस समय आ रहे हैं, उनको किस तरीके से चेंज किया जाएगा, किस तरीके से उस ट्रेंड को इम्प्रूव किया जाएगा, उसके ऊपर भी यहाँ पे बातचीत की गई। तो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 18 की तरफ, और आज पेज नंबर 18 बहुत ही जरूरी आया है, सारे न्यूज इसमें आज बहुत जरूरी आई है। पहली खबर है जीएम चिकन्स मेले चीपर मेडिसिन। तो जिस तरीके से हमारे जीएम कॉटन होती है, जीएम मस्टर्ड होता है, उसी तरीके से होते हैं जीएम चिकन्स। ये होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड चिकन्स जिनके डीएनए के अंदर हम कुछ यहाँ पे चेंज कर देते हैं, और चेंज इस तरीके से कर देते हैं कि उनके अंदर से जो यहाँ पे एग निकलेंगे उनके अंदर कुछ मात्रा जो प्रोटीन्स की होती है वो ज़्यादा हो जाती है। अब जब प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है उससे हम लोग यहाँ पे कैंसर को ट्रीट कर सकते हैं, और भी बहुत सी जो डिजीजेज होती हैं उनके ट्रीटमेंट में इन चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको यहाँ पे स्टडी ने फाउंड आउट किया है, और जल्द ही हम लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। साथ ही ये जो रिसर्च है इसने इनिशियली फोकस किया कि यहाँ पे हाई क्वालिटी प्रोटीन को हम लोग प्रोड्यूस कर सके साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, और जो यहाँ पे जो मेथड है वो बहुत ही हम लोगों को सफल होता हुआ नजर आया। तो जो फाइंडिंग है इसको पब्लिश किया गया है एक जर्नल के अंदर जिसका नाम है जब बीएमसी बायोटेक्नोलॉजी, और इसने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस दी है कि अगर चिकन्स के अंदर हम लोग थोड़ा डीएनए में चेंज ले आए तो अगर हम लोग मेडिसिन जो परचेज करते हैं उससे ये बहुत ही सस्ता मेथड रहेगा, हाई क्वालिटी ड्रग हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल किसी दिन यहाँ पे पेशेंट्स भी कर सकेंगे। ओके, तो एग्स आर ऑलरेडी यूज्ड फॉर ग्रोइंग वायरसेस। दुनिया में एग्स का पहले ही इस्तेमाल यहाँ पे कुछ वायरसेस को यहाँ पे ग्रो करने में किया जाता है जिनको यहाँ पे बाद में वैक्सीन्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यहाँ पे सच एज फ्लू जैब। तो फ्लू जैब के बारे में आप लोग गूगल जरूर करना, और ये एक नई अप्रोच है जिसको हम लोग कहते हैं थेरापोटिक प्रोटीन। थेरापोटिक का मतलब होता है जिसके थेरापोटिक बेसिकली थेरेपी वाले शब्द से बाहर निकला है जिससे हम लोग डिजीजेस को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे थेरापोटिक प्रोटीन्स आर एनकोडेड इन द चिकन से डीएनए, और यहाँ पे जो एग वाइट होता है उसके पार्ट के रूप में ये प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे जो टीम है उसने इनिशियली फोकस किया 2 प्रोटीन्स के ऊपर जो कि एसेंशियल होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में। कौन कौन से हैं? पहला है यहाँ पे ह्यूमन प्रोटीन जिसको हम लोग IFNα2A के नाम से जानते हैं, बहुत ही पावरफुल एंटीवायरल और एंटी कैंसर इफेक्ट ये पर्टिकुलर प्रोटीन देता है। और इसके साथ साथ एक ह्यूमन एंड पिग वर्जन था प्रोटीन का जिसका नाम है मैक्रोफेज CSF, ओके, विच इज बीइंग डेवलप्ड एज थेरेपी दैट स्टिमुलेट्स डैमेज टिश्यू टू रिपेयर देमसेल्फ। जो टिश्यू होते हैं जो डैमेज होते हैं वो अपने आप को रिपेयर करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोटीन की मदद से। तो इन प्रोटीन के आप नेम्स याद रखना कि IFNα2A क्या काम करता है, एंटीवायरल है, एंटी कैंसर इफेक्ट कॉज करता है, और यहाँ पे माइक्रोफेलेज जो है CSF वो यहाँ पे जो डैमेज टिश्यू होते हैं उनको रिपेयर करवाने का काम यहाँ पे करता है। प्रोटीन बेस्ड ड्रग्स की अगर हम लोग बात करें वो हमें एंटीबॉडी थेरेपी देते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा अवेस्टिन और हरसेप्टिन, ओके, जिनका हम लोग वाइडली इस्तेमाल करते हैं खासकर कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर। आगे बढ़ते हैं, खबर है अनदर साइड ऑफ #MeToo, फियर ऑफ मेंटरिंग विमेन। तो यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अभी एनुअल मीटिंग चल रही थी दावोस के अंदर, और वहां पे एक बड़ा जो क्वेश्चन ये आया कि जो #MeToo कैंपेन चली, #MeToo कैंपेन के अंदर जो महिलाएं थी उनके साथ जो भी यहाँ पे हुआ है वो सोशल मीडिया के सामने रख रही थी जिससे सारे लोगों को यहाँ पे पता लगे और किसी और महिला के साथ वो चीज वापस ना हो। सरकारें भी उसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट लॉ बनाती हम लोगों को नजर आई, और बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैंपेन रही 2018 के अंदर। अब यहाँ पे #MeToo कैंपेन के बाद कुछ हमें नेगेटिव डाउनफॉल भी देखने को मिला है कि यहाँ पे विमेंस की जो अपॉइंटमेंट है इंडस्ट्रीज के अंदर वो कहीं ना कहीं कम हो गई है। उसी चीज को यहाँ पे बोला गया है कि 2018 के अंदर सबसे बड़ी जो चिंताजनक चीजें थी वो था ग्लोबल इकोनॉमिक शोडाउन, यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट, यहाँ पे पॉपुलेशन का थ्रेट, यहाँ पे वॉर का थ्रेट, और #MeToo मूवमेंट भी एक थ्रेट के रूप में सामने आई कि यहाँ पे बहुत सारी जो
जो कंपनीज हैं उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो जो यहाँ पे मेल हैं वो यहाँ पे मेंटर करने से मना कर रहे हैं फीमेल्स को. ओके तो 1 in 6 मेल मैनेजर्स वॉज इनकम्फर्टेबल मॉनिटरिंग अ फीमेल कलीग अकॉर्डिंग टू दी स्टडीज. और यहाँ पे 9,000 एडल्ट एम्प्लॉयड जो कि यूएस के अंदर एम्प्लॉयड है उन लोगों का सर्वे किया गया है. ओके तो ये पर्टिकुलर कंडीशन देखने को मिली है. तो हर चीज का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है. और इंडस्ट्रीज की अगर हम लोग बात करें तो हैशटैग मीटू के कैंपेन की वजह से महिलाओं की जो अपॉइंटमेंट है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गई है. आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 18 पे आपको खबर मिलती है न्यू दिल्ली सुपर बग जीन रीचेस द आर्कटिक. तो सबसे पहले यहाँ पे बात हो रही है स्वाल बर्ड के बारे में और ये बेसिकली नॉर्वेजियन आर्चिपलॉक का पार्ट है. ओके इट्स बिटवीन द नॉर्वे एंड नॉर्थ पोल और जो स्वाल बर्ड है वो यहाँ पे पड़ता है. ओके इस वाले रीजन में पड़ता है, ये हमारा नॉर्थ पोल है. और यहाँ पे बात हो रही है कि कुछ यहाँ पे सॉइल सैंपल्स लिए गए थे और इनमें कंफर्म हो गया है कि यहाँ पे ब्ला ND1 जो है वो देखने को मिला है जिसको हम लोग बेसिकली न्यू दिल्ली मेटालो बीटा लैक्टमेस 1 के नाम से जानते हैं. तो इस जगह पे वो हमें देखने को मिला है. इसको यहाँ पे न्यू दिल्ली सुपर बग के नाम से भी हम लोग जानते हैं क्योंकि सबसे पहले इसको न्यू दिल्ली के अंदर डिस्कवर किया गया था, फर्स्ट डिटेक्ट यहाँ पे किया गया था. ओके और ये इतनी दूर मिली है, इस जगह पे मिली है 12,870 किलोमीटर दूर यहाँ पे मिली है न्यू दिल्ली से. तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारी अलार्मिंग सिचुएशन आ गई है कि वहां तक ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया पहुंच चुका है. ओके और ये जो बैक्टीरिया है इट इज कैरिड इन द गट ऑफ एनिमल्स एंड पीपल. ठीक है और ये अब हमें आर्कटिक सॉइल्स में भी देखने को मिला है. दैट वर लाइकली टू स्प्रेड थ्रू फीकल मैटर ऑफ बर्ड्स, शायद बर्ड्स की मदद से यहां पे पहुंच गया क्योंकि बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स उस समय इंडिया में आती हैं. कल मैंने आपको मैप भी दिखाया था किस तरीके से सेंट्रल एशियन बर्ड्स फ्लाई अवे करती हैं, जो हाईवेज मैंने आपको बताया था चिलिका लेक के बारे में, तो शायद उसके थ्रू आ गया हो या उसी के थ्रू वो लोग वापस चले गए हो या ह्यूमन विजिटर्स जो है उस एरिया के अंदर या जो लाइफ है उनके साथ चले गए हूं. तो ये पर्टिकुलर चीज हम लोगों को देखने को मिली है. स्वाल बर्ड के अंदर आपको एक और चीज बता देता हूं, यहां पे एक हम लोगों ने सीड बैंक भी खोला है जिसके अंदर इंडिया ने भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है. ठीक है सीड बैंक अगर हम लोगों ने इसलिए खोला है कि मान लो पूरी की पूरी जो ह्यूमैनिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और बाद में कोई नई ह्यूमैनिटी आती है, कोई नई जनरेशन आती है, तो वहां पे सीड बैंक में हर एक टाइप की सीड हो और वो उनको फिर से डालकर पौधे उगा सके. आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 18 की तरफ. यहाँ पे खबर मिलती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज टॉप किलर्स सेज WHO. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से यहाँ पे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जिनमें मेनली यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर डिजीज आती हैं, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेज आती हैं, डायबिटीज आती है, कैंसर आता है, वो टॉप किलर है साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन के अंदर. सबसे ज्यादा लोग यहाँ पे इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीजेज से मरते हैं और यहाँ पे 8.5 मिलियन लोग हर साल यहाँ पे जो जी रहे हैं. ओके 8.5 जो मिलियन लोग हैं वो इन डिजीज में जीते हैं और मर जाते हैं. तो यहाँ पे जो NCD है उसने लिस्ट किया है कि WHO एज इट्स हेल्थ गोल फॉर दिस ईयर अलोंग विद रिड्यूसिंग मोर्टेलिटी. तो यहाँ पे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनकी मात्रा को कम करना कि वो उनको हम लोग प्रिवेंट कर सके, ये एक WHO का टारगेट है. इसके साथ साथ मोर्टेलिटी एक टारगेट है रिलेटेड टू द एयर पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक एक यहाँ पे टारगेट रखा है WHO ने इस पर्टिकुलर साल के लिए. यहां पे 4 मेजर चीजें हैं जिससे जो NCD है वो कॉज होती है. 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो बिहेवियरल रिस्क फैक्टर्स हैं. वो है यहाँ पे टोबैको यूजेज, क्योंकि जो लोग यहाँ पे टोबैको का इस्तेमाल करते हैं उनको NCD होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. जो लोग यहाँ पे अनहेल्दी डाइट लेते हैं, सही तरीके से अपना खान पान नहीं करते, जो लोग यहाँ पे फिजिकल इनएक्टिव होते हैं, यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस नहीं करते, और यहाँ पे जो लोग ज्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं उनके चांसेस ज्यादा होते हैं NCD होने के. और यहाँ पे उनकी जो फैमिलीज हैं उनको पूरा इम्पैक्ट होता है, उनकी पुअर कंडीशन बहुत बड़ा चांस होती है. ठीक है और यहाँ पे वो ग्रोइंग बर्डन हो जाता है ऑन दी हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ आर नेशन. इसके साथ साथ आप लोग देखोगे कि कलेक्टिवली अगर हम लोग बात करें तो जो डायबिटीज है, कैंसर और जो हार्ट डिजीज है वो रिस्पॉन्सिबल है 70% ऑफ द डेथ्स के अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड बात करते हैं. तो इस पर्टिकुलर चीज को लैंसेट ने यहाँ पे पब्लिश किया था कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं. हम लोग यहाँ पे हेल्दी खाएं, यहाँ पे पानी अच्छे से पिए, स्ट्रेस कम लें और एक्सरसाइज रेगुलर मैनर में करें, तो इन सब चीजों को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं. साथ ही यहाँ पे फाइबर रिच फूड का अगर इस्तेमाल किया जाए तो जो हार्ट डिजीज
डिजीजेस होती हैं उनके चांसेस होने के, जैसे स्ट्रोक्स होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज होती है, कोरेक्टल कैंसर होते हैं, उनके चांसेस हम लोग यहाँ पे कम कर सकते हैं, ओके, बाय 16% टू 24%। तो हमें फाइबर का जो इनटेक है वो करना चाहिए क्योंकि वो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे हायर फाइबर इनटेक इज ऑल्सो रिलेटेड विद दी लोअर बॉडी वेट, सिस्टॉक ब्लड प्रेशर, यहाँ पे टोटल कोलेस्ट्रोल, जब उसको हम लोग लोअर इनटेक से कंपेयर करते हैं तो आपको फाइबर ज्यादा लेना चाहिए। डॉक्टर्स यहाँ पे जो चीजें रिकमेंड करते हैं वो मैंने आपको चारों चीजें यहाँ पे बता दी, वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और आज का जो सवाल था, क्वेश्चन ऑफ द डे था, वो कोल्ड वेव्स के बारे में था। मैं आपको बता दूं, पहली जो दो स्टेटमेंट थी वो करेक्ट स्टेटमेंट थी, तीसरी स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। इस वजह से आंसर हो जाएगा इसका ए, 1 and 2 ओनली। आज के न्यूज़पेपर में इतनी खबरें थी, कैसा लगा आपको? लाइक का बटन दबाकर आप लोग मुझे बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपने अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हो, सब्सक्राइब का बटन तो आपने अभी तक दबा ही दिया होगा। सो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइज, एंड हैव अ गुड डे अहेड।